दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता, जो महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते, लेकिन जब वापस आते तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के सामने रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने वहां कई लोगों को अपनी समस्या बताते हुए सुना। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही गरीब क्यों हूँ? इस पर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए है ही क्या? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है, लोगों से भीख मांग कर किसी प्रकार अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध उसकी बात सुनकर कुछ देर तो शांत रहे, लेकिन फिर बोले, भाई, तुम बड़े अज्ञानी हो, औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुंह दिया है ताकि लोगों से दो मीठे बोल बोल सको, उनकी प्रशंसा कर सको, दो हाथ दिए हैं ताकि लोगों की मदद कर सको। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी हैं, वो कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न ना होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वो फिर कभी दुखी नहीं हुआ।